हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ एन इंडियन लेडी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हम घर पे अंडा पाव कैसे बना सकते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल जैसे। मुंबई में अंडा पाव बहुत फेमस है, आप इसे एज ए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो। तो अंडा पाव बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अंडे, 1 प्याज, 1 ग्रीन चिली, थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़ा सा टमाटर। अंडा पाव बनाना बहुत इजी है, आप इसे बिल्कुल 5 मिनट पे बना सकते हो आराम से अपने घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंडा पाव बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 अंडा फोड़ेंगे, उसके बाद जितना भी वेजिटेबल्स हमने काट के रखा था वो सब डाल देंगे। सबसे पहले हम टमाटर डालेंगे, फिर कैप्सिकम डालेंगे, उसके बाद हम ग्रीन चिली डालेंगे, उसके बाद जो हमने प्याज काट के रखा था वो प्याज डाल देंगे, उसके बाद हम दे देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्ची एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यहाँ मैंने फ्रेशली ग्राइंड करके डाला है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से मिक्स कर ले। जब तक आप मिक्स कर रहे हो तब तक साइड में आप एक तवा रख दीजिए और तवे पे आप थोड़ा सा 1 चम्मच बटर दे दीजिए और जो मिक्स अंडा था वो आप डाल दीजिए और बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। 2 मिनट स्लो आंच में पकाने के बाद आप इसे पलट दीजिए। मेरा जो अंडा है थोड़ा सा टूट गया है, बट कोई बात नहीं, हम वैसे भी इसे बाद में तोड़ने वाले थे पाव में देने के लिए। तो मेरा अंडा जो है एकदम रेडी हो चुका है एंड इसे वापस तवे पे थोड़ा सा बटर लगा के आप अपने पाव को अच्छे से दोनों तरफ सेक लीजिए। उसके बाद पाव में आपने जो अंडा बनाया था वो अंडा आप डाल दीजिए और बस रेडी हो गया आपका अंडा पाव। आप ये अंडा पाव हरी चटनी या सेजवान के साथ सर्व कर सकते हो। आई होप आपकी मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यस शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।